press the bell icon on YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणपत सोनी और स्वागत है आपका गणपत माइस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हमारे पास में आईपैड मिनी 64GB वाला वेरिएंट जो कि 2019 वाला है। तो गाइज आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, बताएंगे इसके फीचर के बारे में और गेमिंग के मामले में इसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करें। दोस्तों ये है हमारे पास में iPad mini का बॉक्स, जहाँ पर ये है हमारे पास में 64GB वाला वेरिएंट जो कि वाईफाई वाला है। इसका टॉप वेरिएंट भी आता है जिसमें सिम का भी सपोर्ट है। इसका कलर स्पेस ग्रे है जिसकी कीमत है 34,900 रुपये। अब जल्दी से इसकी रैप को निकालते हुए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कैसा मिलता है एक्सपीरियंस। जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर रखा है एक स्पेस ग्रे कलर के साथ में बहुत ही पावरफुल आईपैड मिनी। तो फिलहाल मैं इसे रखता हूँ साइड में और देखते हैं बाकी और बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास में है USB 2 लाइटनिंग केबल, बाकी आईपैड में टाइप सी देखने को नहीं मिलता है। बाकी मैं यहाँ पर हमारे पास में एक क्विक स्टार्ट गाइड, एप्पल स्टिकर और कुछ सेफ्टी गाइड, और इसके अलावा एक ये है टू पीस के साथ में आने वाला चार्जर जिसका आउटपुट है 10 वोल्ट का और इसे आप दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद यूज़ कर पाओगे। तो अब जल्दी से बात करते हैं आईपैड मिनी की। तो मैं इसे निकालता हूँ प्रोटेक्शन से बाहर और बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो मैं इसको करता हूँ ऑन और तब तक यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पर हमें राइट साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिलते हैं। टॉप मॉडल में आपको नीचे सिम ट्रे भी मिलता है लेकिन इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके ऊपर की तरफ मिलता है हमें पावर ऑन ऑफ बटन, बीच में लगा है माइक्रोफोन और फाइनली है 3.5mm ऑडियो जैक। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में बिल्कुल क्लीन है और नीचे की तरफ आपको मिलता है लाइटनिंग पोर्ट और ड्यूल स्टीरियो साउंड, और पीछे की तरफ है एप्पल का लोगो लिखा है आईपैड, और ऊपर कॉर्नर में है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और अगर बात करें सामने की तो यहाँ पर 7.9 इंच की डिस्प्ले दी गई है जिसका 4:3 रेशियो है, जिसका रेजोल्यूशन 1536x2048 पिक्सल का है। नीचे की तरफ मिलता है आपको टच आईडी और ऊपर लगा है 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो मैं इसे जल्दी से सेट करता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं कैसा है एक्सपीरियंस इस आईफोन मिनी का। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली सेट हो गया है। अगर बात करें तो इसके साइज़ की तो ये साइज़ काफ़ी कम्पैक्ट है जिसे आप एक हाथ से भी यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आप मूवी गेम वगैरह काफ़ी अच्छे से देख पाओगे। ऐसे में अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें लगा है एप्पल का लेटेस्ट A12 बायोनिक चिप जो कि सेम प्रोसेसर है जो लगा है आईफोन XR में। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, फिर चाहे आप गेम खेलो तो भी काफ़ी बढ़िया चलेगा। पबजी भी आप बिना किसी इश्यू के हाई ग्राफिक में खेल पाओगे। पर बात करें अगर टच आईडी के तो ये बहुत ही तेजी से काम करता है। अगर बात करें कैमरा की तो आईपैड में फोटो कौन खींचता है, मगर कई लोग खींचते भी है। इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है मैं फिलहाल स्क्रीन पर कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसी है इसकी क्वालिटी। तो गाइस ये थी इसकी कहानी जो कि आईपैड मिनी 5th जनरेशन 2019 एडिशन की है। बाकी गाइस आप बताइए आपको कैसा है लगा इसका एक्सपीरियंस। और हाँ गाइज, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी लिखी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे पढ़ सकते हो। गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये बीमारी मैंने ही तो जानी, ये बीमारी मैंने ही मिटानी।
भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है,